हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 27th ऑफ अक्टूबर 2020। तो आज है तारीख 27 अक्टूबर 2020 और है ट्यूसडे। द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और गाइज, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव आईएएस एकेडमी। एज यू कैन सी, आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स आते हैं हमारे न्यूज़पेपर में उसका बैकग्राउंड एनालिसिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी कर रहे हो? नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हो। और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वैसे ही आज के क्वेश्चंस हैं। और आपको पता होगा कल मंडे था, कल न्यूज़पेपर जो द हिंदू ने अपना न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया था, तो हमने उसका डिस्कशन वगैरह ऑब्वियसली बात है नहीं किया था। और जो संडे को हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन किया था उससे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो मैंने संडे को डिस्कशन किया था एस्ट्रॉयड बेनू के बारे में, ठीक है। नासा ने अपना एक एयरक्राफ्ट भेजा है एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर, मैंने डिटेल में उसका डिस्कशन किया था कि क्या क्या, मतलब क्या क्या उसका प्रोसेस है, कि मतलब क्यों भेजा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें मैंने संडे को डिस्कस कर ली थी। लेकिन आज का आपका क्वेश्चन है कि नासा ने अपना कौन सा एयरक्राफ्ट भेजा था। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नासा ने कौन सा एयरक्राफ्ट भेजा था अपना एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, हमने उसी दिन डिस्कस किया था गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में। तो गुपकर डिक्लेरेशन का मेन एम क्या है, मेन पर्पज़ क्या है, वो आप लोग ज़रूर बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो मैप बेस्ड होता है डेली, तो आपको मैप में जाकर देखना है सूडान को, ठीक है। सूडान को जाकर देखना मैप में और उसकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने जाकर सूडान को मैप में देखा है। तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको टाइप करना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तीन क्वेश्चन आपके लिए हो गए जैसा हम लोग डेली लेते हैं। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर करते हैं डेली, काफ़ी सारे आंसर्स आते हैं डेली, बहुत आंसर्स आते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को आंसर करना है आज भी नीचे कमेंट सेक्शन में। और जो आज का हमारा लाइक का टारगेट है, वो हमने 350 का लाइक का टारगेट रख रखा है, 350 लाइक्स का टारगेट रख रखा है। तो आप लाइक करके वीडियो को सपोर्ट दिखा सकते हैं, जिससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन भी ज़रूर मिलता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आपको यहाँ पर पहला आर्टिकल दिखेगा ये वाला। इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है हमारे एयर पॉल्यूशन और स्टबल बर्निंग को लेकर। जो सेंटर है हमारा, केंद्र सरकार है, वो काफ़ी सारे लॉस वगैरह लेकर आने वाली है ताकि जो एयर पॉल्यूशन है उसको एड्रेस करा जाए, साथ ही साथ जो स्टबल बर्निंग है उसको चेकआउट करा जाए। एयर पॉल्यूशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को पता होगा क्या होता है एयर पॉल्यूशन, है ना। साथ ही साथ स्टबल बर्निंग मुझे बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टबल बर्निंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो सेंटर है वो इनके लिए लॉस वगैरह लाने वाली है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन से भी हमें क्या होता है एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही स्टबल बर्निंग का भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है एयर के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। तो ये स्टबल बर्निंग बेसिकली है क्या, चलो यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो, जो स्टबल बर्निंग टॉपिक है ना, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। ओके, तो अगर हम बात करें, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे अभी आपको पता होगा इसका इशू वगैरह देखने को मिला था, फिर सॉल्यूशंस वगैरह लाए गए थे, तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। ओके, अगर की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो ये स्टबल बर्निंग है इससे क्या होता है, देखो पहली बात मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ये बेसिकली स्टबल बर्निंग होता क्या है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा कि देखो, जो फसल वगैरह उगाते हैं फिर फसल वगैरह की जो कटाई वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद जो कुछ वेस्ट वगैरह बचता है, ठीक है, फसल की कटाई के बाद जो वेस्ट बचता है छोटा छोटा, उन सबको जला दिया जाता है। तो उसको जलाने के बाद बहुत ज़्यादा उससे एयर पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें चेक, अगर उसके द्वारा हम चेक करें तो बहुत ज़्यादा हमारी जो एयर है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ओके, तो उसको लेकर बात है कि जो स्टबल बर्निंग है उसको चेक करा जाए, फार्मर्स के लिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस वगैरह लाए जाएं। और आपको पता होगा रिसेंटली हमने एक आर्टिकल भी कवर किया था जो कि बताया जा रहा था कि जो स्टबल बर्निंग है उसका एक सॉल्यूशन बायोडिकम्पोजर भी है, कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो स्टबल है वो सारी की सारी डिकम्पोज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो भी डेली देखता है लेक्चर वो उन्हें सब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम होगी, उन्हें स्टबल बर्निंग के भी मालूम होगा स्टबल बर्निंग के बारे में भी। लेकिन जो नए बच्चे डेली देखते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्टबल बर्निंग है क्या, ठीक है, आपको समझ में आ गया। जो क्रॉप्स का वेस्ट वगैरह बचता है उसको जला दिया जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है कि काफ़ी सारे लॉस वगैरह लाने वाला है जो सेंटर है स्टबल बर्निंग को लेकर। ओके,
नाउ ये आर्टिकल हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नजर आएगा. इस आर्टिकल में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है यहाँ पर उसके लिए बात करी गई है, यानी कि कोविड की वैक्सीन की बात करी गई कि जो होप वगैरह हैं हमारी कुछ बढ़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो वैक्सीन है उसका रिस्पॉन्स अच्छा सा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ऐसा जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने बोला. ठीक है, यानी जो वैक्सीन बन रही है उसका काफ़ी अच्छा हम लोग रिस्पॉन्स देख सकते हैं जब वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी गई है. तो अभी आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो टोटली. नाउ उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है. ये कल या परसों में आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल आने वाला है. ठीक है, डेफिनेटली आने वाला है. US की 2+2 मीटिंग और उसके बारे में ढेर सारी बातें आएंगी जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बनाकर समझाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगने वाली है लोगों को, लेकिन उसे मैं इंटरेस्टिंग बना के रहूँगा. हालांकि उसके लिए यहाँ पर ये आर्टिकल है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो इंडिया है साइन करेगा जियो स्पैशियल कॉरपोरेशन डील US के साथ. ठीक है, अभी आपको पता है US के साथ 2+3 मीटिंग हो रही है, और जब 2+2 मीटिंग क्या होती है उसके बारे में भी याद रख लो. 2+2 मीटिंग यानी कि दो मिनिस्टर यहाँ से, यानी कि US के दो मिनिस्टर आएंगे और इंडिया के दो मिनिस्टर होंगे, तो इन दोनों के बीच में मीटिंग्स वगैरह होंगी, और इन मीटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे करवाई जाएंगी. काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और US के बीच में होंगे, जिससे कि इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा होगा आज के टाइम पे, यानी कि जो चाइना से इतना ज़्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा. और मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल भी डिटेल में आने वाला है डेफिनेटली. ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया और US जो है साइन करेंगे एक, इसे आप कह लो बेका. ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ये बेका है, बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल. तो यहाँ पर ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है. तो बेका यहाँ पे साइन करने वाले हैं इंडिया और US, और आपको पता होगा बेका के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर साइन करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि साइन कर रखी हैं. तो ये जो है ट्यूसडे यानी आज के दिन ये सारी चीज़ें होंगी, मीटिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें साइन करी जाएंगी. और इससे क्या होगा, ये जो बेका है इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा. इंडिया के पास सारी की सारी जो लोकेशंस है, इंडिया क्या करेगा, US की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है, जब ये साइन हो जाएगा एग्रीमेंट, तो इंडिया US की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, US इंडिया की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा ही है. चलो मैं बताता हूँ कैसे फ़ायदा है. ओके, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा बेका के बारे में, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट USA के साथ हो रहा है हमारा. GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आर्टिकल. न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर 2020 की US 2+2 मीटिंग हो रही है. ओके, नाउ अगर हम बात करें 2+2 मीटिंग कौन सी होती है, मैंने आपको बता दिया दो मिनिस्टर्स एक कंट्री के, दो मिनिस्टर दूसरी कंट्री के, तो फिर उसके बाद वहाँ पर ये मीटिंग वगैरह कंडक्ट कराई जाती है. नाउ बेका क्या करेगा, बेका इंडिया को अलाउ करेगा कि वो जियो स्पेशियल मैप इस्तेमाल कर सकता है USA का. ठीक है, USA की जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, आपको पता होगा सैटेलाइट्स वगैरह जो कि हमारी अर्थ है उसके आसपास जो है काफ़ी सारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो उसमें जो USA की हैं वो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, स्पेस में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स USA की हैं. तो इंडिया इस एग्रीमेंट के साथ जो USA की सैटेलाइट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लोकेशन पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी रख सकता है, पूरे वर्ल्ड का डेटा ले सकता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना. तो आपकी अभी आपको यहाँ पर और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा ये हमारा बेका है ना, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखा होगा आपको जेसोमिया, लेमुआ, सिस्मा. ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसे यहाँ पर, इन सब के बारे में मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो लेमुआ क्या है और सिस्मोआ क्या है और GSOMIA क्या है और यहाँ पे BECA तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है. अभी हम लोग BECA के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक और है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, कोमकासा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपको जो है क्लैरिटी हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर काम करूँगा इसके ऊपर, ऑब्वियस ही बात है. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बेका के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. देखो ये जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं. अगर हम बात करें जैसे कि चाइना हो गया, चाइना की 5 सैटेलाइट हो गई, इंडिया की मान लो 3 सैटेलाइट हैं, और जो है USA है उसकी 150 सैटेलाइट है. USA की 150 सैटेलाइट हैं. अब जो ये बेका एग्रीमेंट है BECA, इससे क्या होगा, जो इंडिया है इंडिया US की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर पाएगा, US की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा, और US इंडिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा. हमारे पास तो कुल 3 खुद ही हैं, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा किसका फ़ायदा होगा. ठीक है, ऑब्वियसली बात है हमारा फ़ायदा है काफ़ी सारा,
और अगर आपको पता होगा कि जो एशिया वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर इधर की साइड है, तो एशिया वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा यूएसए की सैटेलाइट है। और क्या होगा इससे कि हम लोग जो है चाइना के ऊपर काफी अच्छी तरीके से निगरानी रख सकते हैं। मीन्स कि जैसे कि चाइना का कोई मतलब हमला वगैरह हो, या फिर चाइना छुप छुप कर अगर हमला करे, तो हम लोग उसके एयरक्राफ्ट, सबमरीन और ये सारी चीज़ें जहाँ भी छुपी होंगी, पनडुब्बी वगैरह जहाँ भी छुपी होंगी, उन सबको हम ढूंढ ढूंढ के सैटेलाइट की मदद से ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरे दुनिया के ऊपर निगरानी रखता है यूएसए। ठीक है, खासकर जो यूएसए की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं वो इस वाले एरिया में सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना और यहाँ पर इंडिया क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और चाइना के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रख सकता है। तो इस एग्रीमेंट का ये फ़ायदा, और ऐसे ही इंटरलिंक्ड काफ़ी सारे एग्रीमेंट जो कि होने वाले हैं, और इनके बारे ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं ऑब्वियसली इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये वाला नज़र आएगा, ये एक छोटा सा आर्टिकल है। ये हमारा अभी अभी फेस्टिवल निकला दशहरा वगैरह, ठीक है, तो आपको पता होगा दशहरा हमारा अभी फेस्टिवल निकला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है। ठीक है, जो दशहरा है, दशहरा टॉपिक या फिर फेस्टिवल्स के कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल्स हो, उन वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा, तो जीएस पेपर वन में एक टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारा एक चैप्टर आता है फेस्टिवल, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत लंबा चैप्टर है, सारे फेस्टिवल्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अभी आपको पता है हमारा फेस्टिवल निकला, दुर्गा पूजा निकला, दशहरा निकला, अभी दिवाली आने वाली है, तो ये फेस्टिवल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ के चलते रहना, क्योंकि यूपीएससी कहीं भी कभी भी जो है किसी भी जगह से पूछ सकता है। ओके, तो जीएस पेपर वन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा दुर्गा पूजा के बारे में, दुर्गा पूजा हमारा जो रीजन है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा जो दुर्गा जी हैं वहाँ पर, उन्होंने जो महिषासुर था उसके ऊपर जीत हासिल करी थी, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, सेलिब्रेशन किस तरीके से करते हैं, स्टैचू वगैरह बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, और हम लोग धूमधाम से ले जाते हैं और जाके नदी में सहराते हैं, ये भी पता होगा आपको। और दशहरा है हमारा, दशहरा भी हमारा नॉर्दर्न और सर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी जो है राम जी ने अपनी जीत हासिल करी थी रावण के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेलिब्रेशंस कैसे मनाते हैं आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा मेला वगैरह लगता है, एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा शो वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर रामायण वगैरह चलती है, रामलीला चलती है, तो ये इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो ये फेस्टिवल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से कहता हूँ यूपीएससी सिलेबस ज़रूर देखते रहना सभी लोग। ओके, नाउ हमने यहाँ पर ये कवर किया, एक आर्टिकल वो भी हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 10 पे आपको ये वाला आर्टिकल नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आर्मी वगैरह है उसको रेडी वगैरह करा जा रहा है विंटर के लिए, ठीक है। अभी विंटर्स आ रही हैं, तो जो हमारे अभी सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच में वो वैसे की वैसी हैं, ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ज़्यादा क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो विंटर्स वगैरह आ रही हैं तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ये इस आर्टिकल में कुछ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, आपको पता होगा सी प्लेन के बारे में। तो फर्स्ट सी प्लेन सर्विस जो है ये लॉन्च करी जा रही है, और ये लॉन्च कर दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जी के द्वारा, यहाँ पर ये लॉन्च करी गई, इसका उद्घाटन वगैरह कर दिया गया है गुजरात में, ठीक है। किसका? सी प्लेन सर्विस का। सी प्लेन मतलब जो समुद्र के ऊपर प्लेन जो है खड़ा हो जाता है, आपको देखा होगा, तो इस तरीके से इसके ये थोड़ी पिक्चर यहाँ पे ब्लर है न्यूज़पेपर में, तो सी प्लेन में कुछ इस तरीके से इसके नीचे होता है, ठीक है, जिससे कि वो प्लेन सी के ऊपर यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत आराम से, आपको देखा होगा आपने पिक्चर्स वगैरह में। तो जो है इसकी सर्विस वगैरह कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गुजरात में ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में आर्टिकल मैंने डिटेल में कवर कर दिया था ऑलरेडी। बताओ कहाँ पे किया जा रहा था, जो सुबह 5 बजे वाली वीडियो आती है, तो सुबह 5 बजे वाली वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करे जाते हैं और बहुत अलग अलग जगह से लिए जाते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखा करो। उस वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं जाकर, अगर आप कॉन्टैक्ट हो तो आप उनसे पूछो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट करे जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आता हूँ, ठीक है, जो वहाँ पर उस वीडियो पे इस वीडियो से ज़्यादा मेहनत लग जाती है, ठीक है। उस वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं काफ़ी सारी जगह से लेता हूँ, जैसे कि यूएन का पोर्टल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, एआईआर की न्यूज़ हो गई, पीआईबी की न्यूज़ हो गई, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ हो गई,
द हिंदू की, लाइव मिंट की, इकोनॉमिक टाइम्स की, यहाँ सबसे मैं आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको निकाल कर उनका बैकग्राउंड एनालिसिस लाकर उस वीडियो में लाता हूँ। तो वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिलेगा कि उस वीडियो में जो हम चीज़ें कवर कर चुके होंगे वो बाद में द हिंदू में आती है, यानी कि वो उस वीडियो में पहले ही सारी चीज़ें कवर कर चुका होता हूँ। तो जो वेबसाइट्स वगैरह है मैं वहाँ से सारी चीज़ें निकालता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, तो जाकर उसे ज़रूर देखा करो, जो सुबह वाली वीडियो है तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर जाकर देखना, बहुत उस पे जो है मैं ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ इस वीडियो से। तो ये जो आर्टिकल है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो के अंदर में, ठीक है, जो सुबह 5 बजे वाली वीडियो आती है। और जो आपको दशहरा और मैंने अभी बताया दशहरा के बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में, वो भी हम एक दो दिन पहले ही कवर कर चुके हैं उस वाली वीडियो में, ठीक है। आज आर्टिकल आया हालांकि न्यूज़पेपर में, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो बीजेपी है उसने तिरंगा यात्रा निकाली एक्सेशन डे के ऊपर। अब ये एक्सेशन डे है जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेशन डे क्या डे है क्या, और आपको पता होगा कि ये वाला आर्टिकल में मैं कवर कर चुका हूँ, एक्सेशन डे के बारे में नहीं लेकिन ये एक्सेशन क्या है जो ये आर्टिकल में जो मेन चीज़ है ना वो चीज़ मैं ऑलरेडी सुबह 5 बजे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आज नहीं, आज से कम 3-4 दिन पहले। पीडीएफ वगैरह सब आपके पास आ जाती है, आप पीडीएफ भी जाकर देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी जो है, मंडे को जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे तिरंगा यात्रा वगैरह को ऑर्गेनाइज करा। अब तिरंगा यात्रा से देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का बेसिक मकसद ये था कि एक जो हमारे दूसरी अपोजिशन पार्टी है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है उनकी महबूबा मुफ्ती, जो कि ट्राई कलर हमारे तिरंगा को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर सबसे खास बात हमने उनके लिए यहाँ पर निकाली कि हाँ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के पीपल हैं वो एक्सेप्ट करते हैं तिरंगा को। तो जो ट्राई कलर है उसके ऊपर बात करी गई, ट्राई कलर की हमने जो है यात्रा वगैरह निकाली है, तिरंगा यात्रा निकाली है, तो उसी को लेकर बात है। लेकिन हमने क्यों निकाली है, क्यों, क्योंकि एक्सेशन डे था, ठीक है, मंडे को एक्सेशन डे था, यानी कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक हमारे महाराजा थे जो कि राज करते थे, हरी सिंह जी का वहाँ पे राज चलता था, हरी सिंह जी के अंडर में जम्मू कश्मीर था पूरा का पूरा। और आपको याद होगा, मुझे सन याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, वो मैं चलो मैं बता दूंगा, सन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो जो वहाँ पे क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि पाकिस्तान ने जो है हमला करना चालू कर दिया था। अब पाकिस्तान ने हमला करना चालू कर दिया था तो फिर यहाँ पर इंडिया से जो है काफ़ी सारे ट्रूप्स वगैरह गए थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले अलग हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे ट्रूप्स वगैरह भेजे थे इंडिया से, ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद जो राजा हरी सिंह हैं उन्होंने क्या करा, इंडिया के साथ वो मिल गए, ठीक है, इंडिया के साथ उन्होंने वो मिल गए। तो उसी को लेकर, एक्सेशन को लेकर यहाँ पर एक्सेशन डे मनाया जाता है कि जिस दिन यहाँ पर इंडिया के साथ जो है जम्मू और कश्मीर मिला था। ओके नाउ, तो इसी के बारे में आर्टिकल था, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके हिस्ट्री आप जाकर पढ़ सकते हो। ओके नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को नजर आएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला है, इंडिया एनर्जी फोरम का जो इनॉगरल सेशन था वहाँ पर काफ़ी सारी बातें बोली, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई है कि जो ग्लोबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें क्या रखना है, एक रिस्पॉन्सिबल प्राइसिंग रखनी है, कि जो इंडिया है वो उसको ज़रूरत है एक अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी सोर्सेज की, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर उनके द्वारा बोली गई हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं, चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर जो कि मेन चीज़ है, तो आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल पे आप लोग को यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल दिखेगा शेड ऑफ ग्रे के नाम से, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने परसों इसके बारे में डिस्कस किया था, परसों भी और उससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान है उसको FATF में क्या बोला, FATF की लिस्ट में उसे ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। ओके ग्रे लिस्ट के अंदर FATF ने रखा है पाकिस्तान को और बोला है कि 2021 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहने वाला है, ये सब बातें मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, और ये पाकिस्तान को क्यों रखा गया है इसके अंदर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो जो ये FATF है, देखो इसका काम क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर टेररिज्म होता है, टेररिज्म फंडिंग, इसको कॉम्बैट करने का काम होता है, इसको कंट्रोल करने का काम होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स जैसे कि मान लो काला धन है, काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे FATF यहाँ पे स्टेप उठाता है, क्योंकि अगर वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा तो टैक्स वगैरह पे नहीं होगा,
ठीक है, जो टैक्स वगैरह नहीं पे होगा, अब वो तो ब्लैक मनी, खैर वो तो खुद ही वही होती है कि ब्लैक मनी कौन सी होती है जो हम टैक्स वगैरह नहीं पे करते हैं, और ब्लैक मनी के उसको उसको हम जो हम टैक्स पे नहीं करते हैं उसको हम एज अ ब्लैक मनी रख लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की। तो वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे सरकार के पास टैक्स वगैरह जाएगा ही नहीं, तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF ये स्टेप लेता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। उसके बाद एक चीज़ और है टेररिज्म फंडिंग, कि जो टेररिज्म फंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि कंट्रीज़ में जो टेररिस्ट को काफ़ी सारे फंड वगैरह पहुंचता है। और आपको पता होगा टेररिस्ट इंक्रीज़ कैसे होता है, टेररिज्म इंक्रीज़ कैसे होता है, जब उसे फंड मिलेगा तभी इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज टेररिज्म इंक्रीज़ नहीं होने वाला। जब उसे फंड मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे तभी इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी कुछ देखा गया, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिज्म भी देखा गया। तो उसको देखते हुए जो FATF है उसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था पाकिस्तान को, और काफ़ी बार डाल रखा है FATF ने, ठीक है, और अभी यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और ये 2021 फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है। ओके, और एक बात और याद रखो, जो FATF है ये दो लिस्ट मेंटेन करके चलता है अपनी, एक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ओके, ब्लैक लिस्ट के अंदर अगर अंदर आ गया तो आप समझ सकते हो कि इसकी बुरी हालत हो जाएगी किसी भी कंट्री की, और ग्रे लिस्ट का मतलब है वार्निंग, कि वार्निंग दे रहे हैं अगर अभी भी ऐसा कुछ करोगे तो ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे डाल दिया जाएगा। तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है फिर से उसकी हरकतें अभी भी ऐसी की ऐसी हैं, तो हो सकता है कि जो FATF है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दे पाकिस्तान को। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं पाकिस्तान को, जैसे कि चाइना, तुर्की हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं पाकिस्तान को और इसे ब्लैक लिस्ट में जाने से काफ़ी बार रोक भी चुकी हैं। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल, उसको मैंने उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहां पर इंडिया की जो एयर क्वालिटी है उसको लेकर कुछ क्रिटिसाइज करा, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है उनकी क्रिटिसाइज की बात अलग रखो, लेकिन जो इंडिया की एयर क्वालिटी है उसको अर्जेंट अटेंशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने रिसेंटली कवर करे कि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन पहुँच चुकी है, और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसने मेजर करा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि हमारा काम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, सफ़र क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको इनके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह चाहिए ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आप डेली व्यूअर हो तो ये आपको सभी चीज़ें पता होंगी, सफ़र क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था एक दिन, सभी लोगों ने जो है कॉमेंट सेक्शन में एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफ़र का डिफरेंस बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही बात हो रही है यहाँ पर, कुछ इतना खास नहीं है कि जो एयर क्वालिटी है इंडिया की उसके ऊपर अटेंशन हम लोगों को पे करना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या आर्टिकल में बात हो रही है, इंडिया और जो चाइना है इनका जो वेस्ट एशिया रीजन है उसके अंदर किस तरीके से जो चेंज देखने को मिला है, कि यानी कि वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया जो एरिया है हमारा उसमें जो इंडिया और चाइना है उसका रोल जो है वो कैसे बदलता हुआ नज़र आया है। जियोपॉलिटिकल, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्लेबुक्स यहाँ पर की बात हो रही है, यानी कि जो इनका जो आप कह सकते हो रवैया या फिर इनके जो रिलेशंस हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे बदलते हुए नज़र आए, पहले क्या थे और अब क्या हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया पहले आप लोग देख लो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी, आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आएगी, ये हो गया हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज, जिसे हम लोग अरब नेशंस भी कहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर देखेगा अरब नेशंस हम लोग कहते हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में आप लोगों को यहाँ पर नज़र आने वाला है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी जो हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इनके अंदर जो इंडिया और चाइना का रिलेशंस हैं तो इन कंट्रीज़ के साथ वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले कैसे थे और अब थोड़े बहुत यहाँ पे बदलते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की सबसे पहले, तो अगर हम इंडिया और चाइना को दोनों एक तरफ से देखें तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा लद्दाख रीजन में, और आपको पता होगा काफ़ी बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, गालवान क्लैशेस भी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो US और चाइना के टाइज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, यानी कि US और चाइना के रिलेशंस भी इसी बीच काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। US तो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जा चुका है चाइना के, ओके, है ना। लेकिन अगर हम उसके बाद देखें जो इंडिया का, अगर हम वेस्ट एशिया रीजन में अगर रिलेशन देखें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है वेस्ट एशिया रीजन में जो इंडिया और चाइना है इन दोनों के रिलेशंस को देखना, क्योंकि इस आर्टिकल में यही बातें बोली गई हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है वो कुछ पास्ट टाइम में इंक्रीज़ हुआ है, यानी 2014 से देखें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। और जो इंडिया सबसे ज़्यादा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ से जो है ऑयल को इम्पोर्ट करता है, क्रूड ऑयल को आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल वगैरह लेता है। और अभी आपको पता होगा सऊदी अरेबिया जो है इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है इंडिया में, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो जो इंडिया के रिलेशन है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ वो काफ़ी ज़्यादा
अच्छे हैं अभी तक तो। खैर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो रिलेशंस हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, गल्फ रीजन के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके नाउ, एक कंट्री जो कि जिसके साथ रिलेशन हमारे बेकार हो चुके हैं वो है ईरान के साथ। जो इंगेजमेंट्स हैं हमारे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ईरान से हम लोग सबसे ज़्यादा ऑयल को इम्पोर्ट कर देते, क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर देते सबसे ज़्यादा ईरान से, लेकिन यूएस ने सैंक्शंस वगैरह लगा दिए और यूएस ने मना कर दिया था सभी कंट्रीज़ को, कोई भी ईरान से ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिया भी पीछे हट गया, इंडिया ने भी बोला चलो ठीक है, इंडिया ने भी यहाँ पर ऑयल वगैरह इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। और आपको पता होगा फिर अगर ऑयल इम्पोर्ट करना कम कर दिया है तो फिर क्या होगा, दोनों के रिलेशंस भी ख़राब होंगे, रिलेशंस भी स्लो डाउन होंगे। ओके तो इसके बारे में यहाँ, यानी कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन ईरान के साथ आज के टाइम पर रिलेशंस डाउन है। अगर हम चाइना की बात करें, जो चाइना के देखो, इंडिया के साथ यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर और बोला कि ईरान से कोई भी ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा, इंडिया तो पीछे हट गया कि नहीं करेंगे, लेकिन चाइना थोड़ी ना माना, चाइना ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना के ईरान के रिलेशंस फिर भी अच्छे हैं, चाइना तो जो है ऑयल वगैरह इम्पोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कुछ और रीज़न क्या हैं, कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें रिलेशंस जो है वो किस तरीके से गिरते हुए नज़र आएंगे, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो इसराइल है, इसराइल के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी शाम के टाइम पे, जो सूडान है वो अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ कर रहा है इसराइल के साथ, ये मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, है ना, तो उसको भी जाकर देखना, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी यहाँ पर क्या नज़र आएगा आप लोगों को, कि जो इसराइल है उसके साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं अरब नेशंस के। ठीक है, अभी आपको पता है यूएई ने रिकग्नाइज़ करा है इसराइल को, उसके बाद बहरीन ने रिकग्नाइज़ करा है इसराइल को। अब फाइनली यहाँ पर 23 अक्टूबर की बात है, यानी कि ये जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, सूडान ने भी इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया है। कि ये इस रिकग्नाइज़ मतलब कि इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करते थे, यानी कि एज अ नेशन रिकग्नाइज़ नहीं करती थी ये कंट्रीज़, कहती थी कि इसराइल जो है ऐसे ही बसा हुआ है, हम इसे रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, इसमें मुस्लिम की पॉपुलेशन भी कम है और जो है ये कब्ज़ा कर करके जो है बना है, कब्ज़ा रहा है वहाँ पर चीज़ों को। ठीक है, जो पैलेस्टीनियन है और इसराइल है इनका भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमेशा। तो जो है इसको देखते हुए यहाँ पर ये सारी कंट्रीज जो हैं अब इसको क्या करने लगी हैं, इसराइल को रिकग्नाइज करने लगी हैं। अब रिकग्नाइज करेंगी तो इसराइल से रिलेशन अच्छे होंगे, तो यानी कि अब एक तरफ से जो है इंडिया, इंडिया की साइड से कैसे गिर सकते हैं रिलेशन, क्योंकि जो अभी क्या हो रहा है, जो ऑयल इम्पोर्ट इंडिया की साइड हो रहा है वो अब ऑयल इम्पोर्ट जो है इसराइल की साइड होगा। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे वो पास कंट्रीज़ है, वो पास में है उसके, तो इसराइल के साथ जो है ऑयल इंपोर्ट होगा, तो क्या एक तरफ से रिलेशंस जो है इंडिया के वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है आगे आने वाले टाइम में गिरते हुए नज़र आ सकते हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। ओके, तो आपको ये आर्टिकल समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा, इस आर्टिकल को हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये 2-3 बार आर्टिकल आ चुका है। आपको पता होगा जो तनिष्क है, तनिष्क ने क्या करा था, अभी जो तनिष्क हमारी कंपनीज है, ठीक है, जो ज्वेलरी वगैरह की, तो इसने एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दिया था, एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करा था जिसमें जो है हिंदू गर्ल थी, ठीक है, हिंदू गर्ल की शादी हो रही थी मुस्लिम मैन के साथ, ठीक है, मुस्लिम बॉय के साथ यहाँ पे शादी हो रही थी हिंदू गर्ल की। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि यहाँ पर कि एक मतलब एक तरीके से जो तनिष्क है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, लेकिन जो कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए, और जो है काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला, तो उसके रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसने वापस ले लिया। ठीक है, तनिष्क ने वापस ले लिया अपना एडवर्टाइजमेंट, उसे विड्रॉ कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है इसके बीच में? तनिष्क तो ये चाहता था, तनिष्क तो दिखाना चाहता था कि हाँ यूनिटी होनी चाहिए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से यहाँ पर तनिष्क का भी फायदा होता कि अगर वो यूनिटी दिखाता तो उसकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो सबसे ज़्यादा बिकती, लेकिन उसका ये कंसेप्ट था कि जहाँ यूनिटी होनी चाहिए मुस्लिम और जो है हिंदूज में। तो आपका क्या कहना है इसके रिलेटेड, कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसको विदड्रॉ कराए, तो पीपल जो है हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करा उसको, ताकि जो तनिष्क है, तनिष्क ने उसकी वजह से जो है अपना एडवर्टाइजमेंट को विदड्रॉ कर लिया। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में आप लोग बताना। ओके नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये नज़र आएगा, कोविड-19 से हम लोगों ने काफ़ी लेसन सीखे। ठीक है, तो काफ़ी लेसन सीखे हैं और काफ़ी लेसन हम लोगों को सीखने भी चाहिए। ओके, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो हम लोग हो, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर लेसन सबसे बड़ा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, वो है हमारी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है कंट्री के। अगर हम कंट्री के लिए बात करें, कंट्री को सबसे बड़ी बात क्या सीखना चाहिए कोविड-19 से, पब्लिक हेल्थ को अपना जो है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रांग करो, प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको स्ट्रांग करो। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को सबसे ऊपर हम लोग सबसे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा,
यानी कि कुल मिलाकर हमें अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोविड 19 की सिचुएशन आ गई, कल कोई और सिचुएशन आ सकती है, तो हमारी सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। ठीक है, आपको पता होगा कितना हम लोगों ने कितनी प्रॉब्लम फेस करी है, इंडिया ने खासकर आज के टाइम पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस कोविड 19 को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे पहली सीख हमने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीखी, साथ ही साथ जो बच्चे लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिली इस कोविड 19 की वजह से। वेस्टिंग इन चाइल्ड जो है, चाइल्ड वेस्टेज जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ गया था। ओके, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। ऑब्वियस ही बात है, स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद है, हालांकि अब जो है स्कूल्स खुलने लगे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा का पूरा डाउन चला गया है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है अपने स्कूल में वो मिड डे मील्स लेते थे, वो मिड डे मील्स भी नहीं मिलती हैं बच्चों को, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो वेमेन का डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आया, यानी कि घरों में वेमेन के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ। इसके बारे में रिपोर्ट भी आई थी, याद होगा हमने डिस्कस किया था। अगर आप डेली व्यूअर हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपको जरूर याद होगा, तो जरूर देखा करो एनालिसिस, काफी सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरों में काफी ज्यादा अत्याचार देखा गया वुमेन के खिलाफ, ठीक है, वुमेन के ऊपर। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, तो इसको हम लोग कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेमेन हैं उनकी जॉब्स वगैरह चली गई कोविड 19 की वजह से, है ना। उसके बाद जो है आपको जो यहाँ पर नज़र आएगा, जो गरीबी है वो बढ़ती हुई नज़र आई, पहले 87 मिलियन से 100 मिलियन हो चुकी है जो गरीबी है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आएगी आप लोगों को कि वही सेम बात बोली गई है, जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो हम लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो रखना पड़ेगा, और इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें इन इट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर हम लोगों की भी जो सिचुएशन जो है सही होगी, और खासकर इन्वेस्टमेंट करें अगर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा चीज़ बेटर रहने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं इसके बारे में बात हो रही है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारी जो आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो टेलीमेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, तो उनकी तरह हम लोगों को भी चलना पड़ेगा। जो काफ़ी सारी कंट्रीज जो टेलीमेडिसिन लेकर चल रही हैं, ठीक है, जो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस लेकर चल रही हैं, तो वैसे ही हम लोगों को भी लेकर आना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, ये हम भी इसके बारे में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जो अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अगर कोई भी सिचुएशन आती है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अगर साथ में मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो परेशानियों को टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम लोगों को प्रोटेक्शन सिस्टम, फूड सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सबको एक जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो कोई मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलती है पेंडेमिक को लेकर, ठीक है, इसके बारे में हमने आर्टिकल कवर किया था इन्फोडेमिक के बारे में, अभी रिसेंटली काफ़ी दिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ इन्फोडेमिक के बारे में, ठीक है, तो इन्फोडेमिक के बारे में आर्टिकल कवर किया था। इन्फोडेमिक क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑफ पेंडेमिक या एंडेमिक, इन्फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक किसी बीमारी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहते हैं एंडेमिक, तो इन्फोडेमिक, तो ये इसके कोई भी बीमारी जैसे कि अभी आप देखोगे कोविड 19, तो कोविड 19 के लिए काफ़ी सारी गलत मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाई गई है, सोशल मीडिया पर आप देखोगे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लोगों के ऊपर अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, ठीक है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, खतरनाक इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है उस बीमारी से, तो फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, तो उस चीज़ को हम लोगों को टैकल आउट करना पड़ेगा। जो फ्रंट लाइन यहाँ पर एम्पावर करना पड़ेगा हमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमें सामने लाना पड़ेगा, उनको पावर देनी पड़ेगी, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना है और वेल पेड करना है, अच्छी उनको सैलरी वगैरह देंगे तो ज़्यादा हम अच्छा तरीके से सिस्टम चला सकेंगे। ठीक है, तो यानी कुल मिला के बात है कि जो इंडिया है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, और अगर आपने जो मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियोस वगैरह अपलोड करी थी क्लास 9 एनसीईआरटी की, उसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, मैंने आपको पढ़ाया है वो सब भी चीज़ें भी। ठीक है, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक कंट्री ग्रो नहीं होगी, यानी कि आप और मैं ही मिलकर, यानी जो ह्यूमन है वही मिलकर कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, तो अगर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा जाए तो ऑब्वियस ही बात है आज ना कल हम लोग को रिटर्न भी जरूर मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये नजर आएगा,
ये बोला जा रहा है वेमेन के बारे में, अभी हमने ऊपर आर्टिकल में कवर किया, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है रिकवरी के बारे में। जो रिकवरी है वो हम वेमेन के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि आज के टाइम पे अगर हम वेमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बोला गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसका अंदाज़ा लगाया गया, जो इक्वल पार्टिसिपेशन है वेमेन का वर्क फोर्स में इंडिया में, इंडिया की जीडीपी जो है, इंडिया की जीडीपी 27% तक यहाँ पर जो है, इंडिया की जीडीपी में वेमेन का 27% तक हाथ हो चुका है इंक्रीज करने में। मीन्स कि जो वेमेन है, वेमेन ने मिलकर जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है वेमेन जो है वो मिलकर इंडिया की जीडीपी को ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर वेमेन के ऊपर अगर हम काम करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इंडिया के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी कंट्रीज़ के लिए आप कह सकते हो। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग अपने इनिशिएटिव लेकर चलती हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखोगे अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर चलती हैं, जैसे कि यूएनडीपी इनिशिएटिव सपोर्ट करता बाय दी यूके ईए फाउंडेशन हैज़ रीच 1 मिलियन वेमेन एंड गर्ल्स विद द स्किल्स एंड लेवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ तक जो है, जो यूएनडीपी का इनिशिएटिव है उसने 1 मिलियन तक वेमेन और गर्ल्स को लेवलीहुड और स्किल्स अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दे दी हैं। और कुछ और एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, जैसे कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन्स एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो है काफ़ी सारी जो है सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर हम लोग जो वेमेन को आगे कर सकते हैं, वेमेन के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, ठीक है, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कंट्री ऑब्वियसली बात है ग्रो होगी, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है, जो वेमेन है एट दी हर्ट ऑफ रिकवरी, और वेमेन का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पर। IMF के द्वारा बोला जा रहा है कि IMF ने एस्टिमेट करा कि जो वेमेन है उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है हमारी इंडिया की जीडीपी को ग्रो करने में। तो जो वेमेन वर्क फोर्स में काम कर रही हैं वो इंडिया की जीडीपी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर बोली गई है। ओके, तो इसी के साथ तो हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।